वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नीट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट ये है हमारा पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने जो हमारे राजस्थान है BHU है MPA UPA यहाँ तक कि पंजाब हरियाणा इन सभी के BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो ऑल इंडिया के कुछ स्टेट रह गए थे उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं पार्ट टू में। पार्ट वन में आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको राजस्थान MP UP पंजाब हरियाणा BHU इन सभी के BS नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म की डेटा आपको मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट टू में हम जो अदर स्टेट है उनके अलावा उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको BS नर्सिंग के अलावा पैरामेडिकल ANM GNM यहाँ तक कि फार्मेसी के अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम बात कर लेते हैं BS नर्सिंग प्री एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म 2020 यानी कि BS नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम है वो कब होने जा रहा है 2020 में, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में BS नर्सिंग के फॉर्म कब आने वाले हैं 2020 में। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी जुलाई के थर्ड वीक में। कब? जुलाई के थर्ड वीक में। थोड़ा सा एक्टिव रहना है आपको, डेट जैसे फिक्स आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। अब आप बोलेंगे सर कैसे मिलेगा हमें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करके ये जो आप वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है, जैसे फॉर्म आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020। एडमिट कार्ड की डेट्स में दिया हुआ है थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020 और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020। बहुत ईजी है, बहुत ही जल्द है, अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा और इसके आंसर की रिलीज हो जाएगी लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2020। तो सबसे पहला काम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जैसे फिक्स डेट आ जाएगी ना, ये अभी जो आप देख पा रहे थर्ड वीक ऑफ जुलाई, ये एक्सपेक्टेड डेट है यानी कि अनुमानित डेट है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो आप साल बर्बाद होने से बचने के लिए यही बेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे ही फॉर्म आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो जैसे फॉर्म आएंगे 2020 में हिमाचल प्रदेश में उसका नोटिफिकेशन आपको जेकलोन जॉब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसमें हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओडिशा BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। ओडिशा में जो एप्लीकेशन फॉर्म है BS नर्सिंग के वो रिलीज हो जाएंगे हमारे सितंबर के सेकेंड वीक में, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इससे पहले भी हो सकता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, या फिर कोरोना डिजीज के कारण थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे ही आएंगे फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2020, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन आ जाएगा, हमारा एप्लीकेंट लिस्ट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब अवेलेबल हो जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 को इसकी मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यह है ओडिशा BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कब आएंगे सितंबर के सेकेंड वीक में, ठीक है ना। तो ये डेट आपको पता रखनी है अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म भरना ही है कि हाँ हमें तो भर ही ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख सकते हो, जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली ओडिशा BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केरला BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। हमारा जो केरला BS नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे वो होंगे जुलाई के फोर्थ वीक में। कब होंगे? जुलाई के फोर्थ वीक में, यानी कि आपको जुलाई के फोर्थ वीक में थोड़ा सा एक्टिव रहना है। वहाँ पर क्या है, केरला BS नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन होना, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल
एकेडमिक डाटा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका 4th week जुलाई, यानी कि जुलाई के 4th week में। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्रे एग्ज़ाम है जो आपको देने जाना है, वो 1st week of August 2020 को है, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल है आपके पास, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप केरला बेस्ड नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप केरला बेस्ड नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पहले सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने इसमें बात कर ली केरला बेस्ड नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है, संभावित तिथि है 4th week of July 2020, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है। उससे क्या होगा, जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा तुरंत, और सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, अगर बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली केरला बेस्ड नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, 4th week of July 2020 में। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके पास दो ही मेथड है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का पता लगाने का, या तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो और पूरा पढ़ो, कोने कोने तक पढ़ो, और एक तरीका है कि चैनल को, ये जो आप देख रहे हैं ना अभी वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रख लो, जैसे फॉर्म रिलीज हो जाएंगे उसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपकी चॉइस आपके पास है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मणिपुर बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरना मई के 2nd week में, ठीक है। तो आपको मई के 2nd week में थोड़ा सा एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, एक्टिव ही एक्टिव हो ऑल टाइम, ठीक है। मोबाइल तो आप हमेशा देखते रहते हो, तो आपको जैसे देखोगे मोबाइल तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऊपर दे दिया जाएगा सारा नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके थ्रू आप फॉर्म भर देना, सिंपल सी बात है। सेकंड हम बात करते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो लास्ट डेट है वो 4th week of May 2020, ठीक है। 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म भरने का, उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ऑफ हो जाती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। और साल बर्बाद को रोकने का एक ही मेथड है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे फॉर्म आएंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट यानी कि संभावित तिथियाँ हैं, इसमें वेरिएशन चलता है हल्का फुल्का 15-20 दिन तक का, ठीक है। तो ये तो एक्टिव करने के लिए आपको जैसे फिक्स डेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, ऑल इंडिया का कहीं का भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, तो 1st week में मिल जाएगा आपको, जून के 1st week में, ठीक है। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जून के 2nd week में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है, वो आपको एडमिट कार्ड में शो कर दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आया है, वहीं पर आपको देने जाना है। ड्रेस कोड सभी उसमें मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाएगा कि कौन कौन सी वस्तुएं आपको नहीं ले जानी है और क्या क्या आईडी प्रूफ आपको ले जाने हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट की बात करें तो 2nd week of June 2020 आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की मणिपुर बेस नर्सिंग के बारे में, इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ पर हमने राजस्थान MP UP बिहार एंड पंजाब हरियाणा BHU इन सभी की बात की थी, तो वो आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो यहाँ पर हम कर रहे हैं पार्ट टू में, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट टू में आपका स्टेट का नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली मणिपुर बेस्ड नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा बेस्ड नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। त्रिपुरा में जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे बेस्ड नर्सिंग के, वो जून में भरे जाएंगे, ठीक है। जून में अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद अगर हम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जुलाई के 1st week में होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड रिलीजिंग की बात करें तो 1st week से पहले पहले ही अवेलेबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रे एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इसकी जो संभावित तिथि है वह है जुलाई के 1st week में आपको एग्ज़ाम देने जाना है त्रिपुरा बेस्ड नर्सिंग का, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा जुलाई के 2nd week में,
ये एक्सपेक्टेड डेट है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ संभावित तिथियाँ, इसमें कोई भी वेरिएशन अगर आता है तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल जेक्लोन जॉब पर अवेलेबल हो जाएगी। बट कंडीशन कि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा हो तभी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020। काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलती है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आए ना तो उसका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाता है, जिसके थोड़े कम आए तो फिर सेकंड में चांस होता है, जिसके और कम आए तो थर्ड में चांसेस होते हैं कॉलेज मिलने के, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से काउंसलिंग चलती रहती है ऑनलाइन, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन जेक्लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी, डोंट वरी। तो आपको एक्टिव कब रहना है त्रिपुरा बेस नर्सिंग के लिए, जून में, जून मंथ में आपको एक्टिव रहना है। इसकी फिक्स डेट जैसे ही आएगी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल जेक्लोन जॉब पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जेक्लोन जॉब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे फॉर्म आएंगे त्रिपुरा बेस नर्सिंग के आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके अपने मोबाइल पर। तो हमने यहाँ पर बात की त्रिपुरा बेस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया के जो स्टेट है आंध्र प्रदेश बेस नर्सिंग के बारे में, ठीक है। आंध्र प्रदेश बेस नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सितंबर के थर्ड वीक में रिलीज होने का टाइम है, इससे पहले भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बट कंडीशन कि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा हो तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमने आंध्र प्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जान ली है। अगर इसके लास्ट डेट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020, यानी कि आपको 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म बनने के लिए। अगर आपने 15-20 दिन के अंतर्गत भर दिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने मिस कर दिए डेट्स तो समझो आपका साल बर्बाद है बीएस नर्सिंग कोर्स को लेकर। तो इससे बेस्ट यही रहेगा कि सबसे बेस्ट मैं तो यही मानता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जैसे ही इंडिया में बीएस नर्सिंग की डेट आ जाएगी, वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो आपका अपना आंध्र प्रदेश हो या फिर राजस्थान, MP, UP, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोई भी हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जेक्लोन जॉब चैनल पर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट कब मिलेगी आपको, वो मिलने की जो डेट है ना स्टूडेंट, वो है 4th week October 2020, यानी कि अक्टूबर के 4th week में, यानी कि लास्ट अक्टूबर में आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और स्टार वेब ऑप्शन 2nd October 2020, और आपका जनवरी तक इसका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात कर ली आंध्र प्रदेश बीएस नर्सिंग के बारे में। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन में हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इससे क्या आपको किसी भी स्टेट से अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, 100% आपको जवाब मिलेगा। और इसके अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, MCQs मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनका आप सहारा लो। हाँ, जितना आप उनका सहारा लोगे इतना ही एंट्रेंस एग्जाम में आप गेन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली आंध्र प्रदेश बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं KGMU बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे KGMU क्या होता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएस नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाती है। अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो बेसिकली आप ले सकते हो, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं है। फुल डिटेल जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानना है तो, किसी से भी रिलेटेड जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको 100% उसका जवाब मिलेगा और डाउट क्लियर होकर रहेगा। तो ये जो KGMU बीएस नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होते हैं मई के फर्स्ट वीक में, यानी कि मई जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फिक्स डेट आएगी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा, बट कंडीशन कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा हो तभी पॉसिबल है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो रिलीजिंग नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीक में, और एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड वीक में, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है संभावित तिथियाँ हैं, ताकि आपको एक्टिव करने की तिथियाँ आपको कि अगर भरना है ना तो ये डेट आपके दिमाग में माइंड सेट करके रखनी है। सबमिशन की अगर हम बात करें तो सेकंड वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के सेकंड वीक में एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 4th week of July 2020 में, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम वो आपके जुलाई के 4th week में, यानी कि जुलाई के लास्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, किसका, KGMU बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020, ठीक है। रिजल्ट आपको मिल जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में,
बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक रहती है। अगर आप यहाँ से बी एस नर्सिंग करके निकलते हो, कोई भी कोर्स करके निकलते हो यहाँ से, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करें। करना चाहते हो अप्लाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस रख लो, जैसे इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे डेट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने बात कर ली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बी एस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु बी एस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। इनके जो डेट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगस्त के फोर्थ वीक में। ठीक है, अगस्त के फोर्थ वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तमिलनाडु बी एस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म का। अब नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है, जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस होना कंपलसरी है। डेट ऑफ इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2020 में, यानी कि अगस्त के लास्ट में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020 है, यानी कि बहुत कम टाइम रहता है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आप जल्दी करना, इसके फॉर्म जैसे ऑनलाइन हो जाए ना तो आपको जल्दी से भर देना है, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो सकता है, फॉर्म छूट सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020 तक आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो भी काउंसलिंग होगी, जो भी होगी, वो नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहला काम है कि फॉर्म भरना, तो आपको अगस्त में थोड़ा सा एक्टिव रहना है अगस्त मंथ में, ताकि आपका फॉर्म भर सके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जितनी भी बात की, अगर वहाँ तक आपका स्टेट नहीं आया है, आपका राज्य नहीं आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखे, उसके ऊपर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, ये बात याद रखना कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को देखने के बाद, उसमें अगर आपका स्टेट का नाम नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी मिस रह गया हो स्टेट, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखे, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी स्टेट के नाम मैंने यहाँ पर लिए ना, उन सभी के कमेंट थे, तभी मैंने उसके ऊपर उनको नोटिफिकेशन ये सारी जानकारी बताई है कि इनके फॉर्म कब आएंगे। सो स्टूडेंट, अगर आप भी अपने स्टेट का जानना चाहते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने के बाद, अगर उसमें आपका स्टेट का नाम नहीं आया है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेथड है आपको अवेयरनेस कराने का, जागरूक कराने का। बिकॉज स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं लग पाता है कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो इस कारण से उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, और उसके बाद पार्ट सेकंड आपने देख लिया, अगर इसमें आपको अपना स्टेट का नाम नहीं आया है, तो कमेंट में लिख दीजिए प्लीज़, अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए।